हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। आज फिर प्रेजेंट हूं मैं एक अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। दोस्तों, जैसे कि अभी मेरी वो जो एक मेरी टेस्ट सीरीज थी जो मैंने आपको बताया था, जो हॉस्पिटल के अंदर मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं लेबोरेटरीज के, और फिर उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं उसमें एक हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं उनके ऊपर मैं आप लोगों को सभी टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिकली नॉन प्रैक्टिकली टाइप से मैं आपको सारा सब कुछ समझा रहा था। तो वैसा ही आज का जो मेरा टॉपिक है उसी सीरीज में, वो है GBP, यानी कि जनरल ब्लड पिक्चर, जिसको हम PS पेरिफेरल स्मेयर भी बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस और मेरी वीडियोस आपको शो होती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, GBP या PS पेरिफेरल स्मेयर टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसमें ब्लड सेल्स की एबनॉर्मेलिटीज की जांच की जाती है। जांच मुख्य रूप से 3 ब्लड सेल्स पे की जाती है, वो है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इन सभी पर केंद्रित होती है। GBP या PS में 5 अलग अलग टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स की पहचान की जाती है, जो है न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स, इसनोफिल्स एल्कलाइन, लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स मोनो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, पहले 3 टाइप्स के व्हाइट ब्लड सेल्स को ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे आप RBC का साइज, शेप, कलर और टेक्सचर देख सकते हैं। चेंजेस के बेस पर RBC सेल्स की रैंकिंग एनीमिया के कारण और अन्य बीमारियों की प्रेजेंस का निर्धारण करने में बहुत उपयोगी होती हैं। ल्यूकोसाइट्स का परीक्षण, क्वांटिटी, टाइप्स और भी टाइप्स के काउंट और सेल मैच्योर लेवल के लिए किया जाता है। दोस्तों, इमैच्योर वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकेमिया या सेप्सिस हो सकती हैं। ल्यूकेमिया के कुछ मामलों में ल्यूकेमिया के कारण बोन मैरो अपना काम करने में असफल हो जाती है। यह पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में ल्यूकोसाइट्स को ख़त्म कर देती है या उसे अलग कर देती है। दोस्तों, आखिर में एक सेल रिसर्च से GBP टेस्ट में प्लेटलेट की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, पेरिफेरल स्मेयर या GBP ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है। दोस्तों, यह ब्लड टेस्ट ब्लड सेल्स में एबनॉर्मल ब्लड काउंट का आकलन या निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले टेस्ट ऑटोमेटेड सेल काउंटर द्वारा किया जाता है और यह एबनॉर्मल या इमैच्योर सेल्स की प्रेजेंस को दिखाता है। यह टेस्ट उन पेशेंट्स का भी किया जाता है जिसमें किसी ऐसी डिजीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं जिससे ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन पर असर पड़ता है या RBC की लाइफ साइकिल पर इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं अब इसके सिम्टम्स और संकेतों में क्या शामिल होता है, जैसे कि थकान लगना या नींद आना, पीलापन पड़ना, जॉन्डिस की बीमारी होना, बुखार का आना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, चोट लगना या बार बार नाक से ब्लड आना, तिल्ली का बढ़ना, हड्डी में दर्द होना, ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का RBC सेल्स से रिलेटेड बीमारी का इलाज किया जा रहा है या इलाज के प्रोग्रेस की निगरानी की जानी है तो पेरिफेरल ब्लड स्मियर टेस्ट रेगुलर बेसिस पे किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, GBP या पेरिफेरल स्मियर ब्लड टेस्ट से पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, PS टेस्ट RBC और WBC सेल्स पर दवाइयों और ट्रीटमेंट के असर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी देता है। इसके अलावा इस टेस्ट के जरिए डॉक्टर न्यूबॉर्न बेबी डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़ की पहचान करते हैं। दोस्तों, जब ब्लड स्वैब रंगीन होता है तो ल्यूकेमिया की बीमारी, इन्फेक्शन, पैरासाइट्स और अन्य बीमारियों की पहचान की जा सकती है। GBP या PS ब्लड टेस्ट के रिजल्ट पढ़ने और स्पेशल टाइप से क्लियर करने के लिए जनरली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को भेजा जाता है, जिसके ब्लड डिजीज सिकल सेल एनीमिया का एक्सपीरियंस होता है। रिजल्ट्स के बेस पर ट्रीटमेंट में सही हेल्प मिले इसके लिए बोन मैरो एस्पायरेशन और बायोप्सी की जरूरत हो सकती है। ब्लड स्मियर टेस्ट
ब्लड में पैरासाइट की वजह से होने वाले मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर पैरासाइट को पेरिफेरल स्मीयर में देखा जा सकता है। दोस्तों अब हम बताते हैं आपको कि कुछ कंडीशंस और डिजीज़ जो जीबीपी के रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो ये होती हैं कि अगर हाल ही में हुआ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तब उसमें इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ब्लड में प्रोटीन के बढ़ने पर, ब्लड कैंसर होने पर, हीमोफीलिया की कंडीशन में और इन्हीं के साथ वारफरीन, एंटीकोगुलेशन, एसिनोकोमरोल और एंटीमेट्रिन एक्सेट्रा आपके टेस्ट रिजल्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। डिजीज़ के अलग अलग समय और तनाव के वक्त रिजल्ट्स में उतार चढ़ाव आता है या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्मोकिंग भी सेल काउंट को इफ़ेक्ट करती हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कैसे होता है जीबीपी या पीएस ब्लड टेस्ट। दोस्तों ब्लड स्मीयर टेस्ट कराने से पहले आपको क्या करना है, आप प्रिस्क्रिप्शन या बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली जो भी दवा ले रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर को बताएं। साथ ही टेस्ट से पहले आप जो डाइट सप्लीमेंट और विटामिन लेते हैं उसके बारे में भी बताएं। डॉक्टर से कहें कि वह पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझाए। खाली पेट ब्लड टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जीबीपी टेस्ट के दौरान क्या होता है? दोस्तों जीबीपी टेस्ट करने का जो प्रोसीजर है उसमें उंगली से ब्लड की एक बूंद लेकर उसे स्लाइड पर रखा जाता है। उसके बाद एक थिन लेयर वाली एक टंग शेप की एक स्मीयर खींची जाती है। यदि जरूरी हुआ तो एक वेनस पंक्चर लेकर ब्लड को पर्पल कैप ट्यूब यानी EDTA वायल में कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट्स को समझने की कि रिजल्ट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल टाइप से कैसे हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल रिजल्ट्स की। RBC, WBC और प्लेटलेट्स की नॉर्मल क्वांटिटी जीबीपी के अंदर नॉर्मल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करती है। RBC सेल्स का साइज, शेप और कलर नॉर्मल होना, सीक्वेंस द्वारा किए नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स की काउंट एक नॉर्मल रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्मल और प्लेटलेट पार्टिकल्स का आकार। अब इसके बाद बात करते हैं एबनॉर्मल रिजल्ट्स क्या होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे RBC की जांच की जाती है जिसमें एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स का साइज देखा जाता है। दूसरा, छोटी RBC का होना भी एक एबनॉर्मल रिजल्ट होता है। बड़ी RBC का होना, ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल साइज होना, ये भी एबनॉर्मलिटी में आता है। सिकल सेल का होना, सेरेटेड RBC का होना, RBC का एबनॉर्मल कलर होना, ये सभी एबनॉर्मल रिजल्ट्स में आते हैं।